तो हमारे सारे पकौड़े वालों को शौक चढ़ो हुआ, रमजान आए पकौड़े विकण गए, समोसे वाले आंदे पे रमजान आवे समोसे विकण गए, जुतियां वाले आंदे पे ईद आवे जुतियां विकण गया। वो किसी को ये शौक ही नहीं कि बख्शिश होगी, अल्लाह राजी होगा, जन्नत मिलेगी, अल्लाह की मोहब्बत में भूख लगेगी, अल्लाह के इश्क में प्यास लगेगी। वो भूख और प्यास की जो तड़प और कसक है, फिर हम हाथ उठा के अल्लाह से मांगेंगे, हम कहेंगे या अल्लाह, तो अर्श के दरवाजों तक मेरी पुकार जाएगी, सातों आसमान मेरी पुकार से गूंज उठेंगे। मुझे यकीन है कि मेरा अल्लाह कहता है, मेरा नबी फरमाते हैं कि अल्लाह रमज़ान में सारे आसमान के फरिश्तों से फरमाता है, रोज़े रखने वालों की दुआ पर आमीन कहो। अर्श के फरिश्तों से अल्लाह फरमाता है, मेरी तस्बीह छोड़ दो, रमज़ान के रोज़े रखने वालों की दुआ पर आमीन कहो, आमीन कहो। अर्श फर्श में गूंज उठती हैं मेरी दुआएं, मेरी सदाएं, मेरे नौहे मेरे गिरिए हिला देते हैं। अगर भूख प्यास में मज़े आ रहे हो कि वाह या अल्लाह तूने कहा था ना, देख मैं भूख से बैठा हूँ। इसलिए इफ्तार के वक्त दुआ क्यों कबूल है? इफ्तार के वक्त खाना सामने है, पानी सामने है, और कान लगे हुए हैं सायरन की आवाज़ पर, तो अल्लाह कहता है ये फरिश्ता, ये मेरे बंदे, खाना भी सामने है पानी भी सामने, ये क्यों नहीं खा रहे, ये क्यों नहीं पी रहे? बोलो कहिया अल्लाह तेरी मोहब्बत, वाह वाह मेरी मोहब्बत, चलो तुम गवार हो मैंने माफ़ किया, चल मेरा बंदा मांग, खाने से पहले मांग। वो वक्त मांगने का होता है, पकौड़े खाने का नहीं होता, समोसे धक्कन का नहीं होता, समोसे पकौड़े कचूरियाँ सेवन अप जामे शीरी रूह अफजा 500 चीज़ा तो अंदर पा लेंदे हो, सारे रोजे दी तबाही फेर के रख दी। एक महीने के लिए ओवरऑलिंग ट्यूनिंग, थोड़ा खाओ, ठंडे शरबत मत पियो इफ्तारी के वक्त, बाद में पीना तो पी लो, इफ्तारी के वक्त अपने ऊपर जुल्म मत करो। सारे दिन का इंजन गर्म है, उस एकदम उसके ऊपर बर्फ़ फेंकते हो, थोड़ी देर सब्र करके सादा पानी पी लो, नमाज़ पढ़ लो पी लो, जामी शीरी पियो सेवन अप पियो जो मर्ज़ी पियो, ठंडा पियो गर्म पियो जो मर्ज़ी पियो, लेकिन ऐन रोज़े के वक्त बचो तली हुई चीज़ों से, करारी चीज़ों से, मसालेदार चीज़ों से, सकील चीज़ों से बचो, हल्का फुल्का रखो पेट को हल्का फुल्का, ताकि रोज़े का मकसद हासिल हो कि जिस्म पाक हो खलास्तों से गंदगियों से पाक हो साफ हो। हाँ, और अपने दिल को भी साफ, रमज़ान में सबकी बख्शिश हो जाती, सबकी, चार नहीं बख्शे जाते, चार आदमी नहीं बख्शे जाते, चार किस्म के मर्द औरत, सबकी बख्शिश हो जाती, सबकी चार। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमा ले। किसी भाई में ये ऐब है अभी सुन के तौबा कर लेना, शराब पीने वाला, मुस्तकिल शराब पीने वाला, रमज़ान में बख्शिश नहीं, माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप का नाफरमान बख्शिश नहीं। माँ बाप के नाफरमान के लिए तो मेरे नबी ने कहा कि अल्लाह हर गुनाह की सज़ा मौत के बाद देगा, माँ बाप के नाफरमान को यहीं से शुरू करेगा और आगे तक लेके जाएगा, यहाँ भी सज़ा देगा और आगे भी सज़ा देगा। सिर्फ एक गुनाह दुनिया में ऐसा है, कुफर शिर्क की सज़ा भी मौत के बाद, जिना शराब जुए की सज़ा सूद की मौत के बाद है। एक गुनाह माँ बाप की दिल आज़ारी दिल दुखाना, अल्लाह यहाँ से ये सज़ा शुरू करता है और आखिर तक पे चलाता है इसको। मेरे नबी से पूछा गया या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? आपने कहा अल्लाह को पता है, कहा कोई निशानी बताएं, कहा जब माओं को जलील किया जाएगा क़यामत आ जाएगी, माँ बाप का नाफरमान। तीसरा कौन है? रिश्तेदारों से लड़ने वाला, कभी भाई से लड़ा, कभी बहन से लड़ा, कभी खाला से, कभी चाचे से, कभी मामे से, कभी कभी ताए से, कभी फूफे से, करीबी रिश्तों से लड़ने वाला और ताल्लुक तोड़ने वाला, उसकी बख्शिश नहीं होगी। चौथा कौन है? कीना रखने वाला, कीना, शहन। एक होता है बुग़्ज़, एक होता है कीना, शहन, बुग़्ज़, शहन। बुग़्ज़ क्या है? बुग़्ज़ क्या है कि मुझे अंसार भाई से नफरत है, ये बुग़्ज़। और कीना क्या है कि मैं इनको नुकसान पहुंचाना चाहता हूं, नफरत के साथ
इनके टांगे खींचना चाहता हूं, इसको कीना कहते हैं। तो ये चार बुराइयां माफ नहीं हैं। हाँ, कोई तौबा करे तो सब माफ हो गया, सब माफ हो गया, सब माफ हो गया। तो अल्लाह ने हमें रमजान का महीना दिया है, जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाएंगे, जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे, फर्ज 70 फर्ज के बराबर हो जाएगा, नफल फर्जों के बराबर हो जाएगा। तरावी के हर सजदे पर 1500 नेकी लिखी जाएगी, हर सजदे पर 1500 नेकी लिखी जाएगी। 20 रकात, 40 सजदे, 60,000 रोजाना। ये तुम्हारे क्लब एदा पुठा जा ना है कि ना है, है? मैं हाली तक नहीं सुर लगी ये तुम आ देखी हो, चलो जड़ा भी ना है ठीक। ये बहुत बड़ा क्लब मुझे नजर आया, ये यहाँ बाहर एक छोटा सा पर्चा लगा दें कि जो यहाँ आके तरावी पड़ेगा हर सजदे पर उसको 150 रुपया दे, 150 छोड़ो 15 रुपए दिए जाएं, हर सजदे पे 15 रुपए दिए। इतने वेखा जी लड़ाइया किमें होंगे, ये सारे पोतरे दादियां नू चाहते ले आवणगे, दो तेरे नानियां नू चाहते, नानी टुर आज तरावी तेनू पढ़ावण, दादे नानियां नू पुछदा कोई नहीं, नानी ईद हो जावणी, तुसीं इहदा ऐलान करके लिख दिओ भई जिहड़ा इत्थे आवेगा ना उहनू असीं फी सजदा 15 रुपये देवांगे। इत्थे फिर सोटे वेखे जे किवें चलदे, ओ मेरा मेरा मेरे नबी, ओ मेरे नबी, ओ मेरे महबूब, ओ मेरे प्यारे और मेरे अल्लाह के प्यारे दुलारे राज दुलारे, वो कह रहे हैं ओ मेरी उम्मत एक घंटा लगा लो, एक घंटा 40 सजदे, हर सजदे पे 1500 नेकी, 60,000 नेकियां, और हर सजदे पर जन्नत में एक सुर्ख याकूत का महल, और हर सजदे पर जन्नत में एक दरख्त जिसके नीचे 100 साल घोड़ा दौड़ सकता है। इतने थोड़े वक्त में इतनी कमाई, अब 8 तरावी पढ़ के आधी मस्जिद खाली जा रहे हो, किथे जा रहे हो, की करण जा रहे हो, कोई काम नहीं, 8 पढ़ के जूता उठा के जा रहे हैं। ए भाई पढ़ दो, साल के बाद आया है मौका अल्लाह से लेने का, और हर सजदे पर यह कुछ अल्लाह दे रहा है। और फिर जब आखिरी रात होती तो अल्लाह फरमाते हैं मेरे फरिश्तों मेरे बंदों की रात की तरावी और दिन का रोजा, इसके बदले में मैंने इनके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए। और आसमान पे एक फरिश्ता ऐलान करता है या बागल खैर अबशर व अकबल, ए भलाई के चाहने वाले आगे बढ़ खुशखबरी हो, और ए बुराई के करने वाले बस कर और वापस हो। और अल्लाह का अर्श मुस्तकिल पहले आसमान पे आ जाता है, अरफात के दिन सिर्फ अरफा के दिन पहले आसमान पर, लेकिन रमज़ान में पूरा रमज़ान अर्श पहले आसमान पर। और मेरे अल्लाह कहला है कोई बख्शिश चाहने वाला, है कोई तौबा करने वाला, है कोई रिस्क लेने वाला, है कोई सवाल करने वाला, है कोई दुनिया और आखिरत की हाजत लेने वाला, है कोई मांगने वाला, हर वक्त अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है। इस महीने को बनाओ, दुनिया कमाओ, हलाल कमाना, को मैं तो वैसे मजाकन कह रहा हूँ, हर एक दुनिया कमाना कोई मना थोड़ा ही, हलाल कमाना कोई मना थोड़ा ही है, लेकिन ऐसी कमाई में न लगो कि रोजे पे जद पड़े, तरावी पे जद पड़े, तिलावत पे जद पड़े। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रमज़ान में कुरान की तिलावत बढ़ा देते थे। कुरान रमज़ान का सबसे बड़ा वजीफ़ा, जी कोई वजीफ़ा दसो, कोई वजीफ़ा दसो, लोग पूछते हैं जी रमज़ान का कोई ख़ास वजीफ़ा, वजीफ़ा बता रहा हूँ, रमज़ान का ख़ास वजीफ़ा कुरान की तिलावत, रमज़ान का ख़ास वजीफ़ा कुरान की तिलावत, कुरान की तिलावत, कुरान की तिलावत, जितना पढ़ सकते हो पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। मेरा एक साथी है मौली सनाउल्ला, वो एक दिन में पूरा कुरान ख़त्म करता है, एक दिन में पूरा कुरान, एक दिन में पूरा कुरान, पूरे रमज़ान में 30 कुरान ख़त्म कर देते हैं। सिवा इसके के बीमार हो जाए तो, कोई बीमार हो जाए तो 10 पारे, वरना पूरा कुरान रमज़ान, कुरान पूरा कुरान। तो चलो हम पूरा कुरान नहीं पढ़ते, कुछ तो पढ़ो, सारे साल नहीं पढ़ा कुछ तो पढ़ो। रमज़ान का वजीफ़ा कुरान की तिलावत, रमज़ान की तस्बीह कुरान की तिलावत, रमज़ान की खिदमत रोज़ इफ्तार करवाओ, सहरी खिलाओ, इफ्तारी कराओ, गरीबों को मदद करो, ज़कात दो, अपने मज़दूरों से काम थोड़ा लो, घर के नौकरों से काम थोड़ा लो,
और रमजान की सबसे बड़ी बात, आपस में बुग़्ज़ से दिल साफ करो। लड़े हुए हो रमजान आने से पहले जैसे लोग हज पर जाने से पहले नहीं फोन करते हैं, सुलह करते हैं, इतना ही जरूरी है रमजान से पहले मैं दिल साफ कर लूं, मैं माफ कर दूं, मैं माफी मांग लूं, ज्यादती की है तो माफी मांग लूं, कोई माफी मांगने आया तो माफ कर दूं, मेरा दिल साफ हो, किसी से बुग़्ज़ ना हो, किसी से कीना ना हो, किसी का हसद ना हो, किसी से रंजिश ना हो, दिल साफ करो। साफ दिल अल्लाह का अर्श बन जाता।